प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में इन दिनों टूरिज्म धड़ाम हो गया है और इसके अर्थ से फर्श पर आने की बड़ी वजह है नाविकों की हड़ताल। लगातार 8 दिनों से नाविकों की हड़ताल चल रही है। हम आपको अपने साथ पीछे भी दिखा सकते हैं, सारी नावें देखिए आप घाट पर खड़ी हुई हैं, हड़ताल लगातार जारी है, धरना प्रदर्शन जारी है। सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनका भी समर्थन अब माझी समाज को मिलने लगा है। विरोध बस ये है कि जो गंगा में प्रधानमंत्री के द्वारा जो क्रूज चलाए जा रहे हैं उनको हटाया जाए, क्योंकि ये सीधे सीधे नाविक समाज के पेट पर लात मार रहा है। हम लोग की कोई शौक नहीं है नाव बंद करने का। हम लोग की पूरी नाव 1,500 से लेकर 2,000 नाव हम लोग की पूरी है। हम लोग के परिवार 1,500 से लेकर 2 लाख हम लोग की पूरी परिवार है, मगर हम लोग की रोजी रोटी की बात है कि हम लोग में गंगा हमारी माँ है, गंगा हम पुत्र हैं। और इसमें जो बड़े बड़े उद्योगपति पैसे वाले लोग यहाँ पे आके अपनी बड़ी बड़ी सीप, अपनी अपनी बड़ी बड़ी बोट चलाना चाह रहे हैं, वो कतई हम लोग नहीं होने देंगे। पूरा प्रशासनिक अमला इस पूरे मामले पर खामोश है, कोई अधिकारी कुछ बोलने की जहमत नहीं उठा रहा। देखने वाली बात ये होगी कि हड़ताल कितने दिन चलती है और वाराणसी में टूरिस्ट और टूरिस्ट इंडस्ट्री का हाल बेहाल कब तक रहता है। गोपाल मिश्र, ईटीवी वाराणसी।